हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है वन प्लस का जेड टू नेकबैंड, जिसमें प्रॉब्लम है इसकी जो वायर है वो डैमेज है। यानी कि जो स्पीकर वायर है वो तो डैमेज नहीं है, लेकिन ऊपर के साइड से किसी चूहे ने काट दिया है, इसलिए पावर ऑन नहीं हो रहा है। हालांकि मेरे पास फिलहाल दो नेकबैंड हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। ये देखिए मेरे पास दो नेकबैंड हैं वन प्लस के, एक के वायर वगैरह डैमेज हैं दोनों साइड से। तो मैं इसको करूँगा बाद में, पहले ये वाला जो नीचे है अभी जो मेरे हाथ में है नेकबैंड, इसको रिपेयर करूँगा। इसकी वायर वगैरह दोनों साइड से ठीक है, ठीक है। देखिए जो स्पीकर साइड है वहाँ से भी दोनों वायर ठीक हैं इसकी, और यहाँ से भी इसकी दोनों दोनों ही वायर ठीक हैं, ये देखिए। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यहाँ पर है, ये देखिए, ये किसी चूहे के द्वारा कटा हुआ है, और जिसकी वजह से इसमें वायर जो आते हैं उनमें से दो वायर शायद डैमेज हैं, या तो दो वायर डैमेज हैं या फिर तीन वायर डैमेज हैं। तो इसको करेंगे बड़ी आसानी से रिपेयर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। आपके पास कोई वन प्लस का नेकबैंड है तो आप उसे हमारे पास सेंड कर दीजिए, हम उसको भी रिपेयर कर देंगे। हालांकि अभी वीडियो में थोड़ा लेट दे पा रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी वन प्लस की नेकबैंड आ रही हैं कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। ये देखिए 10 से 12 14 दिन बाद ये मैंने वीडियो अपलोड किया, अभी शायद से जो लास्ट वीडियो थी वो 10-12 दिन पहले आई होगी, उसके बाद ये वीडियो आ रही है। तो ज़्यादा नेकबैंड होने की वजह से एडिटिंग नहीं हो पा रही है, और एडिटिंग नहीं हो पा रही है तो इसलिए मैं वीडियो को पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूँगा अब आगे से जल्दी वीडियो लेकर आऊँ, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो को देखकर आप भी अपने नेकबैंड को रिपेयर कर सकते हैं। कुछ जानकारी लेनी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना मुझे, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दूँगा। यदि भेजना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे एड्रेस वगैरह ले सकते हैं, मैं उसमें आपको जो भी डिटेल है वो सब कुछ बता दूंगा, तो आप हमें अपनी नेकबैंड भेज भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको रिपेयर। देखिए ये जो नेकबैंड है ये मुझे यहाँ से ओपन करना है, ये और जो नेकबैंड होते हैं जेड जेड बेस एडिशन वगैरह उनकी तरह ओपन नहीं होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो ओपन होता है तो ये दो पार्ट में खुल जाता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली नहीं खुलता है, मैं इसको हल्का हल्का हीट करूँगा। मैं चाहता तो इस पर लिक्विड डाल के भी इसको ओपन कर सकता था, लेकिन लिक्विड डालने से प्रॉब्लम ये होती है कि इसको खुलने के स्क्रैचेस ज़्यादा लग जाते हैं, तो फिर इसको फिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो मैं थोड़ा हल्का हल्का एयर हॉट मशीन से इसको मैंने गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा और फिक्स भी आसानी से हो जाएगा। फिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ से हल्का सा प्लास्टिक पिघल गया था, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको हल्का सा गर्म करूँगा और इसको दोबारा से बाहर की तरफ प्रेस कर दूँगा तो ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसमें बैटरी साइड है हमारी, और बैटरी साइड वाली जो नेकबैंड की ये जो वायर थे ये डैमेज थे, यहाँ से मैं इनको निकाल लूँगा। इसमें साइज से 6 या फिर 7 वायर होंगे, 6 वायर होंगे इसमें, और उनमें से शायद 2 या 3 वायर डैमेज हैं इसमें से। तो अभी इसका मैं देख रहा हूँ क्या सिस्टम होगा। मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से जहाँ से कटा हुआ है, जहाँ से मेरे अंगूठे के नीचे से दबा हुआ है, तो ये देखिए ये जो कट लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए इसमें 6 वायर हैं, और ये जो वायर हैं साइज से इसमें 5 या 6 वायर हैं, मुझे देखा नहीं है, क्योंकि ये वॉइस ओवर जो कर रहा हूँ मैं, ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मुझे दिख नहीं रहा है, साइज से 6 या 5 वायर हैं इसमें, ठीक है। जो जेड वन और जेड टू बेस एडिशन होते हैं उसमें 6 वायर्स होते हैं, इसमें ये देखिए 5 वायर हैं, 6 नहीं है इसमें, 5 वायर हैं। करेंगे इसको बढ़िया आसानी से रिपेयर। तो इसमें जो वायर होते हैं मैं बताता हूँ, 2 होते हैं स्पीकर के वायर, 2 होते हैं बैटरी प्लस माइनस के वायर, और 1 होता है NTC का वायर, ठीक है। ये हमारा जो सिस्टम है, क्योंकि एक वायर इसमें कम हो जाता है, जो Z1 और बेस एडिशन होते हैं उसमें जो सेंसर होता है वो बैटरी वाली साइड होता है, लेकिन इस वाले डिवाइस में जो सेंसर होता है वो चार्जिंग का जो सॉकेट लगाते हैं या फिर बटन जिधर की साइड होते हैं उधर की साइड होता है, तो इसलिए इसमें से एक वायर कम हो गया। तो इसमें 5 ही वायर हैं, ठीक है। यहाँ पे कंक्लूजन ये जो ख़त्म होता है, ये जो हमें कन्फ्यूजन हो रही थी कि 5 वायर हैं या 6 वायर हैं, तो इसमें 5 ही वायर हैं। इसके बाद देखिए ये यहाँ से जो कटा हुआ था, मैंने कोशिश करके देख रहा हूँ कि ये यहाँ से निकल जाए, ठीक है। मैं निकाल के देखा लेकिन ये वायर नहीं निकल रहे हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वायर इसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ से तो ये फिक्स होना संभव नहीं है। तो देखिए मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा, इतना जो पार्ट है मैं इसको निकाल दूँगा, और निकालने के बाद देखिए इसको फिक्स भी करेंगे बड़ी आसानी से। जिन भाई की ये नेकबैंड थी, दोनों नेकबैंड एक ही साथ भेजी थी इन्होंने, इनका एड्रेस वगैरह
मैं देख के बता दूंगा आपको, क्योंकि मुझ में जो ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ वो 10 से 15 दिन बाद एडिट कर रहा हूँ। जब मैंने ये रिकॉर्ड की थी वीडियो, उसके 10 से 15 दिन बाद मैंने इसको एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो मुझे इन्फो यानी कि ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी थी कि शायद ऐसा केस लोगों के साथ हो सकता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को लिया है। अभी इससे भी खतरनाक खतरनाक वीडियो हैं मेरे पास जो रिपेयर के लिए लेने के बाद आए हैं। हालांकि रिपेयर सारे हो चुके हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे पास, तो उनको एडिट करके उनको भी अपलोड करूंगा। और देखिए, मैं अभी शायद से ज़्यादा नेकबैंड की वीडियो ना लेके आ पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे नेकबैंड की वीडियो ऑलरेडी हो चुके हैं चैनल पर। तो अभी देखेंगे, और जो पहले वीडियो आती थी हमारी मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित, उनको लेकर आने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक दो वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा, जिसमें और भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा नेक वन प्लस नेकबैंड से संबंधित, ठीक है। ये मैंने यहाँ से इसको कट कर लिया है और इसमें से वायर भी निकाल लिए हैं, ठीक है। ये देखिए, 5 वायर के अलावा एक इसमें लोहे का तार होगा, तो जिसकी वजह से ये जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, वरना अगर ये निकल जाएगा तो ये लूज निकल जाएगी, यानी कि जैसे वायर हमारा इधर उधर हिलता रहता है ऐसे हिलेगी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। उस वायर की मदद से ही ये फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। वायर निकाल लिया है, वायर को हमने माचिस की सहायता से इसकी जो ऊपर कोटिंग रहती है पिन्नी की, यानी कि इस पर रेड रेड कोटिंग रहती है वायरों के ऊपर, इसको इंसुलेशन बोलते हैं, इसको हमने माचिस की सहायता से यानी कि पिघला लिया है, ठीक है। पिघलाने के बाद इसको स्क्रैच करके मैंने इस पर सोल्डिंग भी लगा दी है, जिससे कि अब हमें इस पर जो बैटरी पर बोर्ड लगा हुआ था उसमें सोल्डिंग करने में थोड़ी आसानी होगी। यदि कि मैंने ये निकाला था, मैं कोशिश कर रहा था ये निकल रहा है, लेकिन ये नहीं निकल रहा है। अब इसको फिक्स करेंगे बड़ी आसानी से। ये हमारा जो बैटरी सेक्शन है वो है, और इसको इस प्रकार से रखेंगे, और इसको जो सबसे पहले जो वायर है इसमें, यानी कि लोहे का जो तार था, उसको थोड़ा इसको कर्व करेंगे, यानी कि थोड़ा सा मोड़ लेंगे, जिससे कि ये फिक्स हो जाए। अभी मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ये देखिए रख दिया, और उसके बाद इसमें थोड़ा ये डाल रहा हूँ फेविक्विक, जिससे कि ये बिल्कुल फिक्स हो जाए, ठीक है। वायर हमने सोल्डर आयरन की मदद से इसमें प्लास्टिक के अंदर को धंसा दिया है गर्म करके, जो कि वो तो फिक्स हो गया, वो तो निकलेगा नहीं। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको हल्का सा। उसके बाद इस पर मैंने फेविक्विक ला दिया है, तो ये भी फिक्स हो गया यहाँ पर। अब इसके जो वायर हैं उनको कनेक्ट करेंगे बैटरी के ऊपर जो बोर्ड लगा हुआ है छोटा सा, उस पर इस पर ये कनेक्ट करते ही हमारा जो नेकबैंड है ये ऑन हो जाएगा और प्रॉपर वर्क करने लगेगा, क्योंकि इसके वायर डैमेज नहीं थे, यहीं से चूहे के द्वारा कट कर दिया गया था, तो इसलिए ये ख़राब होगा, ठीक है। ये देखिए वायर हैं, ये आर प्लस आ गया, ये उसके बाद आर माइनस लगाएंगे। आर माइनस का मतलब हो गया राइट साइड का स्पीकर वायर, और इसके बाद NTC जो कि बैटरी से संबंधित तो होता है वायर, इसके बाद बी प्लस और उसके बाद बी माइनस, ठीक है। सारे के सारे वायर हमने लगा दिए हैं। वायर लगाने के बाद हमारा जो नेकबैंड है वो 99% रिपेयर हो चुका है, क्योंकि अभी इसकी जो पैकिंग है वो नहीं की हमने। इसमें देखो, पैक करते समय थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये घिलू से लगता है। आप इस पर अगर फेविक्विक लगाएंगे तो उससे ये चिपक तो जाएगा, लेकिन बाद में खुलेगा नहीं, इसलिए फेविक्विक ना लगा के इस पर ग्लू लगाएं, जिससे कि आप चाहे तो आने वाले समय में इसको खोलें। ये देखिए, हमारा जो नेकबैंड है ये प्रॉपर वर्क करने लग गया है। अभी इसमें मैं इसको इसके ईयरपीस जो स्पीकर है उनको एक जगह करता हूँ तो बंद हो रहा है, और इसको अलग करता हूँ तो ये चालू भी हो रहा है। ये देखिए, हमारा नेकबैंड तो लगभग रिपेयर हो ही चुका है। उसके बाद इसकी जो डिब्बी है वो मैं इस पर फिक्स करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद इसे आसानी से टेस्ट करेंगे। इस पर देखिए, मैं ग्लू लगा रहा हूँ, जिससे हम डिस्प्ले कॉम्बो को फिक्स करते हैं, ठीक है। ये ग्लू लग चुका है, उसके बाद इसकी जो डिब्बी है मैं डिब्बी को इस पर एडजस्ट करूँगा। देखिए, डिब्बी एडजस्ट करने के बाद इसमें थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसको फिक्स यानी रोके आपको लगभग 1 से 2 घंटे के लिए इसको रोके रखना पड़ता है यहीं पे, जहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। तो इस पर मैं रबर बैंड लगाऊंगा। रबर बैंड लगाने समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए, मैं किस प्रकार से रबर बैंड लगा रहा हूँ, आपको भी सीधा उसी प्रकार से रबर बैंड लगाएंगे। ये एक्स्ट्रा ग्लू निकल आई थी बाहर, तो उसको मैं यहाँ से हटा ले रहा हूँ इस कपड़े की सहायता से। दोनों साइड से इसको हटा लेंगे, दोनों साइड पर इस पर थोड़ी एक्स्ट्रा ग्लू निकल आई है बाहर। हालांकि ग्लू मैंने इसमें नॉर्मली फिक्स किया, जिससे कहीं से रहे भी नहीं और ज़्यादा भी ग्लू नहीं निकले बाहर, ठीक है। इस प्रकार से वायर को मोड़ना है आपको, और वायर को मोड़ने के बाद इसके बाद रबर बैंड देखिए, मैंने यहाँ पे एक जगह ही फिक्स कर दिया है इसको, और इसको फिक्स करने के बाद
इस पे ज़्यादा स्पेस छोड़ना ही नहीं है, जा जिसकी वजह से ये जो डिब्बी है इसकी बड़ी आसानी से इस पे फिक्स हो जाए। तो दोस्तों हमारा जो नेकबैंड जो है वो फिक्स हो चुका है, मैं इसमें स्पीकर की आवाज़ वगैरह चेक करूँगा और उसके बाद रख दूँगा। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगा, वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी देखिए मैं यहाँ पर इसको फिक्स कर रहा हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।